अगर मेरे पास वजीर आजम का मनसब होता, इन दस्तावेजात के बदले में और ज्यादा मालूमात लेकर आता। कामयाबी का सिला आपको जरूर मिलेगा। सबाहतीन अब से शादी करना चाहते हैं प्यारी बहन। कैसी बातें कर रही हैं? हम पसंद नहीं करते उन्हें। अगर सईद पाशा वजीर आजम के ओहदे को कबूल करने के लिए राजी नहीं तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ। मैं फहीम पाशा को तलाश कर रहा हूँ। चुप, ये नाम दोबारा मत लेना। क्या पता ये वही व्लादिमीर हो। वो आदमी पाया है तख्त और सुल्तान मुअज्जम का दुश्मन है। खदीजा सुल्तान भी महल जाना चाहती है। अगर ये आपके साथ सफर करेंगी तो महफूज रहेंगी। कल हमने खाने पर उन्हें महल मधु किया है और आप उन्हें लेकर आएंगे सबाहतीन। बहुत बहुत शुक्रिया वालिदा आपका। बल्गारिया के बारे में ये दस्तावेजात इज्जत पाशा लेकर आए हैं। इज्जत पाशा की इस मामले में कामयाबी के बाद वजीर आजम का इंतखाब करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है पाशा हजरत। जब तक हम इज्जत को माल देंगे वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। हम कभी भी अपने गुलामों को भूखा रहने नहीं देते। शहजादी, जैसे ही आपकी वापसी होगी आपके हुक्म के मुताबिक आपको तलाक दे दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम उस तक पहुंचेंगे और पूछेंगे कि हमें क्यों तलाश कर रहा है। बल्गारिया के बादशाह को मदद ना मिली तो वो हरकत में नहीं आएगा। रूस को उनकी मदद के लिए आमादा करूंगा मैं।